अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं एक अदद मेहंदी ब्राइड की लुक, और बड़ा मज़े का आपको ये ट्यूटोरियल लगने वाला है। सबसे पहले मैंने जो है वो एले गर्ल की प्रो मैट फाउंडेशन ली है, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के अंदर हम लोग हमेशा मैट फाउंडेशन जो है उसकी तरफ हम लोग जाते हैं, ना कि हम लोग थोड़ी ऑयली या फिर ग्लॉसी फिनिश वाली जो फाउंडेशन हैं उनको थोड़ा अवॉइड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने मैट फाउंडेशन लिया और उस पर मैंने कोई फेस पे प्राइमर नहीं लगाया, कोई मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, कोई मैंने कलर करेक्शन नहीं किया, क्योंकि इसकी अपनी कवरेज अच्छी है। तो मैं इसको जस्ट डायरेक्ट स्पॉन्ज के साथ, जो कि मेरा डैम स्पॉन्ज है, आपको पता है टच मी का स्पॉन्ज है, कोई ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं है, इसको मैं लेके जो कि डैम है उसके साथ मैं टैप करते हुए अपनी फाउंडेशन को जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मेरी मॉडल है इनका कलर सांवला है, डस्की इनकी जो है वो स्किन है, तो उनके हिसाब से जो है मैंने फाउंडेशन ली थी। मुझे इनको बहुत ज़्यादा ओवर मतलब गोरा नहीं करना था, सिर्फ एक दो टोन्स जो था वो लाइट करना था, तो इसलिए मैंने जो है ये फाउंडेशन लेके इसको लगा दिया है। उसके बाद मैं इस पर क्रीम ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी किसी भी कंपनी का क्रीम ब्लश ले सकते हो, या फिर आप लिपस्टिक लेके जो है उससे भी अपना क्रीम ब्लश जो है वो कर सकते हो। आई लव क्रीम ब्लशर्स। ये देखिए मैंने क्रीम ब्रश लेके उसको मैं अपनी फिंगर्स के साथ जो है वो यहाँ पे ब्लेंड करूँ। डोंट माइंड मेरे जो नेल हैं, क्योंकि मैं बाइट करता हूँ अपने नेल्स को और वो वीडियोस में जब मेकअप लगा होता है तो और ही ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको भी ब्लेंड कर रहा हूँ अपने स्पंज के साथ। इससे जो है वो बहुत ही खूबसूरत एक ग्लोई सी फिनिश आती है, आपको ऐसा लगता है कि जो ब्लश है वो स्किन में से मतलब नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने जो है वंडर आई को सेट करने से पहले एक दफ़ा फिर से स्मूथ किया ताकि जो लाइन्स आ रही हैं वो निकल जाएँ। एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके उससे जो है वो मैं इनका पूरा फेस जो है उसको सेट कर रहा हूँ। क्रीम ब्लश जो है वो लगाया हुआ, लेकिन उस पर पाउडर लगने के बावजूद वो अच्छा लग रहा है, वो नीचे से नज़र आ रहा है, तो इसीलिए मैं क्रीम ब्लश जो है उसको पसंद करता हूँ। क्रीम कॉन्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जी क्रायलॉन का 45 पैनकेक, और गर्मियों में आपको पता है कि हमें थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए होती है ब्राइड्स की, तो उसके लिए पैनकेक जो है वो मैंने लिया है और लेके सिर्फ उसको एक बेस सा बना के मैं टी जोन पे लगा रहा हूँ जहाँ पे ऑयल आता है, या फिर मैं इसको अंडर आई पे लगा रहा हूँ ताकि इसे थोड़ा सा मतलब हाईलाइटेड इफेक्ट आ जाए। पूरे फेस पे इसको मैंने पेंट नहीं किया है क्योंकि ये वाटर बेस होता है। तो ये आपसे ब्लेंड ना हो रहा हो तो आप अपना स्पंज थोड़ा सा वेट करके अगेन इसको जो है ब्लेंड कर सकते हैं। ये वाटर बेस होता है, इस वजह से आप इतना ये मतलब अगर आप वैसे लगाओ तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, जैसे पानी या पसीना आता है ये बह जाएगा, लेकिन अगर नीचे कोई बेस लगी हुई हो, कोई स्टिक लगी हुई हो, तो उसको फिक्स करने के लिए, उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आप इसको जो है वो इस तरह से लगा सकते हो। तो देखिए मैंने इसको जो है वो लगा के ब्लेंड कर दिया। उसके बाद अगेन मैं, क्योंकि समर्स हैं तो जितना पाउडर हो सके उतना अच्छा है, तो मैंने दोबारा से इनको जो है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर का एक कोट दे दिया है। अंडर आई पे थोड़ा ज़्यादा पाउडर लगा दिया ताकि हमारा जो फॉल आउट हो उसको हम कैच कर सकें। यहाँ पे मैंने जो है वो एक सिल्वर शेड लिया है और इंटरफेरेंस शेड है, तो इसको मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ। इनर कॉर्नर पर भी सेम शेड जो है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि हम लोग मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बना सकें। ओके, अब ये मैंने गोल्डन जो है वो लिया है इंटरफेरेंस शेड, और इसको भी मैं लेके लिड के ऊपर जो है वो लगा रहा हूँ। और आज हम लोग जो है वो मेहंदी का मेकअप कर रहे हैं, तो थोड़ा काशीज स्टाइल का जो है वो मेकअप हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिया एक ब्राउन शेड, एक लाइटर ब्राउन शेड हुदा ब्यूटी की पैलेट में से, एज अ ट्रांजिशन शेड लेके जो है इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि हमारी ब्लेंडिंग जो है बड़ी परफेक्ट सी आ जाए। आपको पता है कि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आपकी होगी उतना ही अच्छा आपका जो है वो मेकअप लगेगा। आपके शेड्स ऐसे नहीं लगने चाहिए कि लाइन्स लगी हुई हैं, ब्लेंडिंग ही कोई नहीं है, आपका ऐसा होना चाहिए कि एक शेड दूसरे में से निकल रहा है और बड़ा ही खूबसूरत सा जो है वो ब्लेंड आपके मेकअप में होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मैंने इस तरह से ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है, और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे लूँगा एक अदद डार्क ब्राउन शेड सेम इसी पैलेट में से। ये देख सकते हैं जो इसमें कोको शेड है वो लेके जो है मैं आउटर कॉर्नर को मज़ीद डेप्थ दे रहा हूँ, और ये देख सकते हैं आप आउटर कॉर्नर जो है उसके ऊपर मैंने इसको लगाया है। और लगाना आपने ऐसे कि लैश लाइन के साथ से आपने शुरू करना है और ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करते जाना है। तो आपने इसको जो है वो लगा के जितनी आपको डिज़ायर्ड इंटेंसिटी चाहिए हो, थोड़ा सा ब्राइड्स को हम लोग जो है वो थोड़ा सा हैवी रखते हैं ताकि अगर वो स्टेज पर बैठी हों, उनके ऊपर लाइट्स पड़ रही हों, कैमरा की या सब कुछ पिक्चर्स वगैरह बन रही हों, तो मेकअप थोड़ा सा अच्छा लगे, सॉफ्ट भी अगर मेकअप हो तो अच्छा लगे। यहाँ मैंने ग्लैमरस फेस की पैलेट में से एक ग्रीन शेड लेके थोड़ा काशीज़ वाला टच देने के लिए लैश लाइन के साथ साथ उसको जो है वो लगाया है, और लगा के मैं इसको जो है वो इंटेंसीफाई कर रहा हूँ। जो काशीज़ यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अपना आई थिंक उनका जो दूसरा डस्ट वाला शिमर होता है वो थोड़ा इंटेंस आता है, लेकिन इतना इंटेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इट विल लुक गुड।
तो आपके पास कोई भी चीज़ हो तो आप उससे मेकअप जो है वो कर सकते हैं। आप अपने आप को लिमिट मत करें कि ये चीज़ नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैंने लिया जी एक अदद गोल्डन ग्लिटर, क्योंकि मेहंदी का लुक कर रहे हैं इसके लिए जो है वो मैंने थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर लिया है और इसको लेके मैं लगा रहा हूँ लिड के ऊपर। लेकिन जो नीचे वाली ग्रीन लाइन है उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही सिर्फ लिड के ऊपर जो आईबॉल आपका होता है सेंटर में वहाँ पे लेके तो मैं इस ग्लिटर को जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। इसको लगाने के लिए आप कोई सीलर ले सकते हो, काशिश की आई बेस ले सकते हो, निक्स की ग्लिटर ग्लू ले सकते हो, कुछ भी लगा के जिससे आप अपने मतलब काम में सेटिस्फाई हो वो लेके तो आप उससे लगा सकते हो। आप कोई प्रेस्ड ग्लिटर भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं डस्ट लगा रहा हूँ, मतलब जो लूज़ ग्लिटर होता है उसको लगा रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत ही बारीक सा लाइनर जो है मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, और इसीलिए थोड़ा सा मैंने थिक रखा है ग्रीन को कि अगर नीचे लाइनर भी लगे तो वो ग्रीन नज़र आए। वो ग्रीन जो है वो हमने लगाया इसलिए कि वो नज़र आए, अदरवाइज़ उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होना था। तो इसलिए बहुत ही बारीक सी जो है मैंने लाइन लगाई है ग्रीन कलर की। उसके बाद मैं लैशेस लगा रहा हूँ, 3D लैशेस आप लगा लें। अच्छा, कई मतलब आजकल जो ब्राइड्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप मांगती हैं कि जिसमें उनको जो है वो कोई ग्लिटर भी ना लगे, मैट मेकअप चल रहा है। कुछ लोगों को सिर्फ ग्लिटर चाहिए होता है, बहुत सॉफ्ट सा मेकअप चाहिए होता है, कोई इस तरह के कलर्स नहीं चाहिए होते हैं। और लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी हैवी मेकअप मांगते हैं, काशीज़ वाला मेकअप मांगते हैं, डिफरेंट कलर्स मांगते हैं, और अगर ग्रीन उनके शेड हो ड्रेस में तो वो ग्रीन भी मांगते हैं, वो ब्लू भी मांगते हैं। स्टिल यू नो हर किस्म का क्लाइंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास हर मेकअप की वैरायटी होनी चाहिए। खैर, मैंने यहाँ पे लैशेस लगाने के बाद कॉन्टोर किया है क्रिस्टाइन के कॉन्टोरिंग शेड से, और हमने जो है वो जॉ लाइन को भी किया है, फोरहेड को भी किया है, नोज़ की भी कॉन्टोरिंग जो है वो अच्छी सी कर ली हुई है। आपको पूरा फेस इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि अलाउ नहीं है मॉडल का पूरा फेस दिखाना, इसलिए हम लोग जो है वो आपके लिए हाफ फेस पे ही वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है वो नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर ली हुई है, इनका नोज़ जो है वो थोड़ा छोटा तो हम थोड़ा सा इसको लंबा दिखाने की यहाँ पे जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब लैशेस जब भी आपने लगानी है उसको हमेशा क्लीन कर रहे हैं, ऊपर से नीट करना है लाइनर के साथ, क्योंकि आपकी जब लैशेस लगती हैं तो ग्लू का एक मतलब वहाँ पर थोड़ा सा नज़र आता है, तो उसको आपने जो करना है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ ना इसको थोड़ा सा विंग दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लैशेस जो है ना उसको लगाने के बाद आपको जो है वो ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि आपको आई स्कोप कितना खींचना है, आपके कलर्स इंटेंस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे विंग अगर मैं दूंगा छोटा सा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी आईज़ जो हैं वो थोड़ी सी हुडेड हैं, मतलब थोड़ा सा एंड पे से जाके हुड सा बनता है। तो इसके लिए जितना आप छोटा विंग रखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे कैमरे में फील नहीं हो रही क्योंकि अब मेकअप हो चुका है। खैर, अब नीचे जो है वो अंडर आई के ऊपर भी हम सेम ब्राउन शेड जो हम लोगों ने ऊपर कॉर्नर की डेप्थ देने के लिए लगाया था, सेम शेड को जो है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों की गर्मियाँ कैसे जा रही है, हम लोग तो कूलर लगा के काम कर रहे थे, इसीलिए मैं वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने एक आई थिंक आइवरी शेड जो है वो दिया था स्टिक का इनर जो आईज़ है उसके अंदर, और ये ब्लश जो है मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कोई भी ब्लश ले सकते हैं आप, सस्ते से सस्ता 150 का, 100 का, लोकल मार्केट में से बहुत सारे ब्लशेज़ जो हैं वो मिल जाते हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं, तो यहाँ पे कोई ब्रांड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी सिंपल सा कोई जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सा किया था क्योंकि कुछ दिन पहले की वीडियो है। उसके बाद हम लोग जो है वो हाइलाइटर लगा रहे हैं यहाँ पे। हाइलाइटर जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रिस्टाइन का, और क्रिस्टाइन का हाइलाइटर ये लगाने के बाद आई थिंक 828 या 829 इसका जो था वो नंबर था, तो ये हम लोग जो है वो हाइलाइटर लगा रहे हैं। और हाइलाइटर जो है वो आपने ऐसा लगाना है कि बड़ा खूबसूरत से लगे। आईब्रोज़ को डस्ट कर रहे हैं, कोई ज़्यादा हमने शार्प जो है वो शेप नहीं बनाई है, सिंपल सा एक ब्राउन शेड लेके उससे जो है वो आईब्रोज़ को नीट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रहा हूँ। अच्छा, लिपस्टिक लगाने के लिए जो है वो मैंने आउटलाइन किया था एक पर्पल मजेंडा, बैरी कलर है बेसिकली एक मेडोरा का, उसके साथ जो है वो मैंने आउटलाइन किया था, और उसके अंदर मैं ग्लैमरस फेस का एक हमारे पास पिंक सा खूबसूरत सा शेड है उसके साथ मैं इसका अंदर जो लिप है उसको फिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और लिपस्टिक जो है वो लगा दिया हम लोगों ने। आजकल वैसे थोड़ा सा न्यूड, थोड़ा सा पिंक ही चलता है क्योंकि नेक्स्ट डे जो बारात का होता है उस पर हमने रेड लगाना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना नीट मेकअप जो है वो लग रहा है। ग्रीन भी नज़र आ रहा है और ग्लिटर भी नज़र आ रहा है, कॉर्नर्स भी नज़र आ रहे हैं, विंग लाइनर भी है, लैश भी है। तो अगर किसी ब्राइड को मेहंदी पे हल्का सा हैवी मेकअप चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल सी ब्रेड बनाई थी और ये हेयर स्टाइल जो था वो दिया था, और साथ में कर्ल्स किए थे। ये मेरी अपनी स्टूडेंट है, कोई मॉडल या कोई रियल ब्राइड नहीं है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द फाइनल लुक, और होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोग भी ट्राई करते हैं इस वीडियो में से किसी भी चीज़ को, इस मेकअप को, तो ज़रूर मुझे बताएगा इंस्टा के ऊपर, अहमद मुश्तबा MUA के नाम से मेरा जो है वो इंस्टा आईडी है। यहाँ पे अपनी पिक्चर्स भी भेज सकते हैं जो आप काम कर
करेंगे। आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।